हे गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज चुके हैं रात के 11:30 और ये ब्लॉग जो है वो रिलेटेड है, जो मैंने एक्शन कैमरा मंगाया था उसको मैंने अपने हेलमेट पे माउंट कर लिया है। तो हेलमेट पे माउंट करने के बाद अभी उसका घर में तो मुझे अलाइनमेंट ठीक लग रहा है फुटेज देखने के बाद, बट एक बार मैं सोच रहा था कि एक ट्रिप रोड का भी लेके देख लूँ कि वो बाहर में कैसा अलाइंड है, देखते हैं कि वो कितना कवर कर पा रहा है। एटलीस्ट थोड़ा दूर तक का वीडियो अगर वो कवर कर रहा है तो उसका अलाइनमेंट सही रहेगा, तो एक बार वो चेक करना है। इसीलिए दिन में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया आज, क्योंकि आज ऑफिस में बहुत काम था, तो इसको लेके मैं दिन में एक बार भी नहीं बाहर कहीं जा पाया। और अभी जस्ट मैंने उसको माउंट किया है और माउंट करने के बाद मैं अभी हम और शानू दोनों अभी बाहर जा रहे हैं, तो एक बार देखते हैं उसका कैसा फुटेज आता है और कितना एरिया वो कवर करता है। तो अभी हम लोग बस बाहर निकलने वाले हैं। और ये देखिए इसको, ये अभी बिल्कुल ऐसे ही बदमाशी कर रहा है। नो, हम लोग जो बाहर जाते हैं तो इसको ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको जब भी केज में रखते हैं तो ये बहुत शोर करता है और बिल्कुल रहना नहीं चाहता। तो बाहर अगर रहता है तो ये उतना ज़्यादा बदमाशी भी नहीं करता है। और अब हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसके बहुत सारे टॉयज़ है, ये वाला जैसे हमने ख़रीदा है तो ये सब टॉयज़ को ये खेलता रहता है और वैसा कुछ परेशानी भी नहीं करता है। इधर से वो थोड़ा बहुत यहाँ पर घूमता है एंड इधर ये सब बुक्स को नहीं काटता और इसमें बिल्कुल ये रहना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे इसको बंद नहीं करते हम लोग। जब भी जाते हैं तो ओपन रहने देते हैं और लाइट और फैन ऑन रहता है। तो अभी हम लोग बाहर निकलेंगे और किचन हमने ब्लॉक कर रखा है तो किचन के साइड ये जाता नहीं है। हालांकि ये देखिए अभी जैसे इधर ये घूम रहा है, कम कोको कम आ जाओ। हम लोग जा रहे हैं, तुम कुछ बदमाशी मत करना अभी, ओके? तुम शांति से रहना, ए शांति से, ठीक है? तुम ऐसे ही सो जाना। तो देखिए अभी ये बिल्कुल सो गया है शांति से, लेकिन हम लोग जैसे निकलेंगे तो ये गेट तक आएगा बिल्कुल, इसको पता चल जाता है कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं। हमने अभी तक इसको एक दो बार छोड़ के गए भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि ये बदमाशी करता है। बाकी पी एन पॉटीज को जो भी करना होता है तो ये उसके अंदर जाके करता है। ये गेट हम ओपन छोड़ देते हैं, इसको हमने हैबिट लगा दिया, इसके अंदर जाके वहाँ पे ही वो करता है सब कुछ जो भी इसको करना होता है, बाकी ये फिर बाहर आके खेलने लग जाता है। तो ये देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने माउंट कर लिया है इस तरह से कुछ, एंड ये अभी इस तरह से अलाइनमेंट आपको दिखेगा, मैंने माउंट कर लिया है। ये देखिए अच्छे से माउंट हुआ है। मैंने कोई एमसील वगैरह या यूज़ नहीं किया इसका, एक क्लैंप को बस डबल टेप से अंदर स्टिक किया और ये दोनों रेस्ट स्ट्रैप से इसको बहुत ज़ोर से टाई कर दिया है। और यहाँ पे एक लॉक रहता है दोनों साइड, आप देखेंगे तो ये दोनों साइड लॉक कर दिया है और ये कैमरा बिल्कुल दो क्लिप के बेस पे स्टेबल है। ये पूरा अभी जस्ट मैं ये माउंटिंग ही कर रहा था जिसके वजह से ये पूरा फैला हुआ है। तो एक बार चलते हैं बाहर जल्दी से, क्योंकि काफ़ी रात हो चुका है, और एक बार जल्दी से चल के इसका देखते हैं फुटेज कैसा आता है और कैसा ये मैंने इतना ये रखा है इस तरह से कि ताकि मुझे स्क्रीन पे यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे दिखता रहे, हाँ स्क्रीन पे मुझे यहाँ पे दिखता रहे अंदर से कि ये क्या फुटेज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर में रेड लाइन से ऐसे करके यहाँ पे टाइमर चलता है तो वो मुझे दिखता रहे इसके लिए। अभी हाल फिर मैंने माइक्रोफोन अभी एक्सटर्नल वाला इसमें नहीं इंस्टॉल किया है, एक बार हम पहले इसको ऐसे ही रिकॉर्ड करके देखते हैं जिसका कैसा आवाज़ वगैरह सब आता है, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर ये हेडफोन वगैरह एक बार कनेक्ट करके देखेंगे इसको। मैंने यहाँ पे सोचा है कि यहाँ पे फोम के बीच में यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट करूँगा, लेकिन अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और जल्दी से फटाफट निकलते हैं और आपको नेक्स्ट फुटेज इससे दिखाते हैं।